हम लड़ते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लड़ते हैं, रंग भेद के नाम पर हम लड़ते हैं, लिंग भेद के नाम पर हम लड़ते हैं, भाषा के नाम पर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पर, कभी ईश्वर अल्लाह मसीह के नाम पर हम लड़ते हैं, घर के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, गली चौबारों खेतों के नाम पर हम लड़ते हैं, मोहल्ले गांव शहर के नाम पर, देश के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, गुलामी के नाम पर, जाने हम क्यों भूल जाते हैं भाषा का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात अभिव्यक्त भर कर देना, जाने हम क्यों भूल जाते हैं धर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ भाईचारा और शांति फैलाना, जाने हम क्यों भूल जाते हैं लिंग भेद का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया को चलाना, जाने हम क्यों भूल जाते हैं ईश्वर अल्लाह मसीह का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया का पालन करना, जाने हम क्यों भूल जाते हैं रिश्तों का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यार करने की वजह होना। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ, और दोस्तों माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से, सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको इस श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे पहले सेशन के सृजन के हमारे मेहमान रहे हैं। सृजन की गोल्डन जुबली यानी 50 पहले एपिसोड्स के पूरे होने पर ये हमारी विशेष प्रस्तुति है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने, और मैंने आपको वो गीत भी सुनवाए जो हमारी नज़रों के सामने से कभी कभार ही गुजरता, लेकिन वो गाना इतना प्यारा होता कि मुझे लगता है कि मुझे वो गीत आपको ज़रूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है।
और दोस्तों मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे उन सभी अपने लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर भी। और दोस्तों मैं आपसे अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब भी देशभक्ति की बात आती है तो वो सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी पर आकर रुक जाती है। अगर हम गुलाम ना हुए होते तो हमारे लिए देशभक्ति के क्या मायने होते। दोस्तों देशभक्ति का मतलब सिर्फ फ्रंट पर पोजीशन लेकर युद्ध करना नहीं, बल्कि हम जहां जिस भी पोजीशन पर हैं संघर्ष करें ईमानदारी से काम करने के लिए। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो वो भी सच्ची देशभक्ति है। मसलन अगर हम टीचर हैं, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाकर देश के भविष्य को अच्छा नागरिक दे सकते हैं। अगर हम डॉक्टर हैं तो देश को अच्छा स्वस्थ देकर अपनी देशभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं। फौजें हमारी सीमा पर डटी हैं, हमें अपने अपने फ्रंट पर डटे रहना है। जैसे हमारे खिलाड़ी खेलों में जीत कर अच्छा प्रदर्शन कर देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं, हमारे क्रिकेटर वर्ल्ड कप ले आए, गर्व से देश का माथा ऊंचा हो गया। और दोस्तों जैसे कि आपकी होस्ट और दोस्त को जब सृजन की जिम्मेदारी सौंपी गई तो आपकी दोस्त ने सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हुए न सिर्फ उसमें गाने लगवाए बल्कि सेलिब्रिटीज़ की पसंद के गाने लगवाए, और उसे भी यूं ही नहीं लगवाया बल्कि उनकी बात से लिंक करते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए। और जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो वही सच्ची देशभक्ति है, और फिर भगवान भी आपकी उंगली पकड़कर आपका मार्गदर्शन करता है। इस पर मैं आपसे अपने दिल की एक बात और शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गंभीर साहब ने मुझे गीतमाला की छाओं की सीडी दी और मुझ एकलव्य को गुरु द्रोण यानी अमीन सायानी से रूबरू कराया झलकियों के लिए, और झलकियों का पहला एपिसोड मैं लेकर आई आपके लिए। इसके बाद फिर क्या हुआ, सच पूछिए तो मैंने कुछ नहीं किया। जो हुआ, गीतों पर स्पेशल, एजुकेशन स्पेशल, स्पिरिचुअल स्पेशल, देशभक्ति स्पेशल, और आगे भी आप सुनेंगे, सब करवाने वाला वो प्रभु, उंगली पकड़कर चलाने वाला वो प्रभु, और उससे मिलाने वाला गुरु यानी मेरे अमीन सयानी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए,
कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से, सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, देशभक्ति का एक मतलब और अपनी भाषा मातृभाषा हिंदी को प्यार करना भी, और न सिर्फ आज़ादी बल्कि मानसिक गुलामी से भी आज़ादी। पर यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि किसी भाषा को नकारना, भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम भर है। आइए सुनते हैं अपने आज के पहले मेहमान से इसी बात को और यादों को करते हैं ताज़ा। रूबरू होते हैं वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश लखानी से। और लखानी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी वो रचना इस टाइम हमारे श्रोताओं से शेयर करें जो हिंदी भाषा पर आपने लिखी है, और मेरी वो प्रिय रचना है। जरूर जरूर जी। माधुरी जी, मेरा सौभाग्य है कि मेरी कोई रचना किसी को प्रिय लगी जी। और जैसा मैं कह रहा था कि भाषाएं तो मुझे सारी प्रिय हैं, और मैं उर्दू और हिंदी को तो गंगा जमुनी भाषा हर कोई कहता है जी, 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 और मैं भी मेरे जो भी साहित्य है उसमें मैं कोई हिंदी के शब्द और उर्दू के शब्दों को से परहेज कभी नहीं करता। उर्दू और हिंदी तो गंगा जमुनी भाषा है और पंजाबी मुंह बोली बहन है इन भाषाओं की जी, जी, जी। और सिराई की जैसे मैंने कहा कि मेरी घरेलू भाषा है जी, जी। तो भाषाएं सारी अच्छी हैं। मैं तो बल्कि भारतीय और भाषाएं और विदेशी भाषाएं भी सीखना चाहता हूँ। भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। हाँ, अभिव्यक्ति का माध्यम है और सारी सरहदों को आपस में जोड़ने का माध्यम है, जोड़ती है भाषा जोड़ती। तो ये जो कविता जिसका आप जिक्र कर रही हैं जी जी, ये मैंने लिखा है। इसमें मुझे इससे पुस्तक युगवाणी में है। हाँ, युगवाणी में है जी जी। इससे मुझे ये परहेज नहीं है, मैंने इसमें जिक्र आया है, किसी भी भाषा से परहेज नहीं है जी जी जी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, एक मुझे बड़े अच्छे साहित्यकार का राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार के कथन याद आ रहा है कि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता और दूसरे की माँ की सेवा करता है तो उसको हम क्या कहेंगे। हाँ, दूसरे की माँ की आप इज्जत कीजिए, अपनी माँ की भी। तो हम, मैं ये कहता हूँ सभी भाषाओं की इज्जत करें, लेकिन अपनी माँ हिंदी की सबसे बढ़कर करें और उसका अपमान कहीं भी न होने दें। तो उसी को समर्पित ये कविता है, प्रतीकों के माध्यम से जी जी। शीर्षक है माँ हिंदी। जी, स्वागत है। एक महिला फटे हाल, हैरान परेशान, बिम देखिए अपने ही घर के बाहर बैठी, आश्चर्यचकित सी अपने ही घर में झांक रही है। उसके सगे बेटे अपने पिता श्री की विदेशी मैडम के रिसेप्शन में मस्त हैं। मस्ती भी सीमा लांघ रही है। और नई मैडम जो स्मार्ट है पर गृहिणी नहीं, जो डार्लिंग है पर सावित्री नहीं, जिसकी भाषा में फ्लो तो है पर रसधार नहीं, आई लव यू तो कहे पर जिसका त्याग मई प्यार नहीं। क्या बात है। रंगीन तितली सी सारे घर पर मंडरा रही है। क्या बात। परंतु वह महिला, अब फिर घर की मालकिन पे आते हैं जी जी जी। परंतु वह महिला जिसने अपना रक्त दिया इस उपवन के लिए, कितनी ही मन्नतें मानी इस चमन के लिए। क्या बात। आज मारे हुए बैठी है मन, अपनत्व लुटाया तो पाया परायापन। क्या बात। किसे दोष दे, भाग्य पर अश्रु बहा रही है। क्या बात। और नई मैडम सारे परिवार पर छा रही है, सभी के मन को भा रही है, हिप्नोटाइज किया सभी को अपने रूप से। न जाने
प्यार है क्यों सभी को कड़कती धूप से, क्या बात, तभी तो वह अपनी विजय पर इतरा रही है। और ये त्याग की मूरत अपने ही घर में पराई, अपनों के ही हाथों सताई, अपने पन को तरसती है आज, छम छम आंख बरसती है आज, गोद सुनी फिर भी लोरी गा रही है। क्लाइमेक्स पे हैं, पर माँ हिंदी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। दुख टल गया, सुख अब पास है, तेरा मातृत्व अब रंग लाएगा, तेरा एक एक अश्रु तेरे बेटों को जगाएगा, आशा की किरण अब आ रही है। क्या बात। और अंत में एक निवेदन है मेरे देशवासियों, अब तो समझ लो चमकती धूप और ठंडी छांव का अंतर, क्लब की सभ्यता और गांव का अंतर, हिंदी की बिंदी बंद उसे संवार दो, माँ के आंचल को उसका अधिकार दो, अपनी माँ को पहचानो वह बुला रही है, गोद सुनी फिर भी लोरी गा रही है, गोद सुनी फिर भी लोरी गा रही है, गोद सुनी फिर भी लोरी गा रही है। लखानी साहब, सच तो ये है कि हिंदी को हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हिंदी की जरूरत है। अगर कोई ये कहे कि, तो मैं कहती हूँ बेटा तुम एक दिन हिंदी छोड़कर देख लो, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आजकल अंग्रेजी में कोई डॉक्टर भले ही कितने मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी याद कर ले, कितनी भी बातें कर ले, अपने मरीज से तो वो हिंदी में ही पूछेगा क्या हाल है भैया, गुजारा नहीं चल सकता जी, कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ, छोड़ दो हिंदी को तब पता लग जाएगा। तो अगर वो हिंदी में बात न करे या अपनी टर्मिनोलॉजी को हिंदी में न इस्तेमाल करे तो वो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे उसे। जी जी जी। कोई इंजीनियर होगा, कोई कृषि वैज्ञानिक होगा, गाँव में तो जाके हिंदी में ही बात करेगा। और लखानी साहब, आप ये सारी बातें हम करते हुए आपकी कविता सुनते हैं, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, अब लौट चले, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से, सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, देशभक्ति का एक रूप ये भी कि हमारे आसपास जो रिश्ते हैं हम उनका सम्मान करें, उन्हें प्यार करें। माँ जो धरती पर भगवान का रूप है, धरती भी तो माँ है। आइए रूबरू होते हैं इस युवा और डायनामिक शायर से, माँ पर उनका खूबसूरत शेर और धरती माँ का उनका पसंदीदा गीत। रूबरू होते हैं अजय अक्ष से। पहले मैं एक शेर से आगाज करना चाहूंगा। जी जी, स्वागत। के शेर है कि खोल दे तू पर मेरे, मैं लौट कर आ जाऊंगा। क्या बात है। खोल दे तू पर मेरे, मैं लौट कर आ जाऊंगा,
आज बस दिल की तमन्ना दूर तक उड़ने की है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। और गजल देखिएगा, स्वागत के महसूस ये हुआ है जी जी जी, बहुत सोचने के बाद महसूस ये हुआ है बहुत सोचने के बाद दिल का सुकून हार गए सब जीतने के बाद। क्या बात, बहुत खूब। महसूस ये हुआ है बहुत सोचने के बाद दिल का सुकून हार गए सब जीतने के बाद। और शेर देखिएगा जी जी, स्वागत के अम्मा की याद आते ही भर आई फिर आंखें। क्या बात, अम्मा की याद आते ही भर आई फिर आंखें, जाने से रोकती थी मुझे छींकने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अम्मा की याद आते ही बहुत खूब भर आई फिर आंखें, जाने से रोकती थी मुझे छींकने के बाद। क्या बात है, और ये शेर बतौर खास आपके लिए है जी जी, स्वागत है। के क्या ले गया जहां से सिकंदर बताइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या ले गया जहां से सिकंदर बताइए दुनिया के कई मुल्क भला लूटने के बाद। ओहो, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या ले गया जहां से सिकंदर बताइए दुनिया के कई मुल्क भला लूटने के बाद। और अब आ गए हैं दोस्तों हम उस मकाम पर। जी जी जी, अब आ गए हैं दोस्तों हम उस मकाम पर, दिल हारने को कहता है सब जीतने के बाद। क्या बात, बहुत खूब। अब आ गए हैं दोस्तों हम उस मकाम पर, दिल हारने को कहता है सब जीतने के बाद। और जो आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम होता है जी जी, उसको जी मकता जी बोलते हैं वो। जी जी जी, स्वागत है, हाजिर श्रोताओं को आप गजल भी सिखा रहे हैं जी, शुक्रिया। लाए कहाँ से अक्स वो नाजुक ख्यालियाँ। जी जी जी, क्या बात। लाए कहाँ से अक्स वो नाजुक ख्यालियाँ, माँ खुद भी रो पड़ी थी मुझे पीटने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी, शुक्रिया। लाए कहाँ से अक्स वो नाजुक ख्यालियाँ, माँ खुद भी रो पड़ी थी मुझे पीटने के बाद। ये माँ बेटे का प्यार आपने अक्स साहब आपने दर्शाया अपने इन शेरों में, और मुझे वो आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन, जिसमें काबुलीवाला अपनी बेटी के माध्यम से अपने वतन को याद कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी छिड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी माँ।
के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों आइए सुनते हैं एक खूबसूरत आवाज के मालिक ज्ञान सिंह मुसाफिर की आवाज में धरती माँ पर उनका गीत, और फिर उनका एक पसंदीदा गीत सुनते हैं झलकी। कि ये सारे संस्कार मुझे माता पिता से ही मिले जी। और आज़ादी प्राप्त करने के बाद जिस तकलीफ़ों को हमारे बुज़ुर्गों ने सहा जी। उस आज़ादी के महत्व को मैंने समझने की कोशिश की कि कितनी मुश्किलों के बाद इस आज़ादी को हम सब ने पाया है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को सुरक्षित रखें, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहें। हमारे राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं वो सर्वोपरि हैं। मैं समझता हूं कि इससे ऊपर कोई भी कर्तव्य नहीं होता। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। राष्ट्र बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ करते हैं जी। लेकिन उसके पीछे लाखों घर बर्बाद हुआ करते हैं। क्या बात। उस पीड़ा को मैंने बहुत करीब से देखा और समझने की कोशिश की। मैं समझ सकती हूँ कि आप, क्योंकि आपने एक सवाल किया था कि आपकी रगों में ये कैसे जी। तो लीजिए राष्ट्र को समर्पित प्रथम रचना स्वागत पुष्पांजलि से। स्वागत है। भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है, भारत माँ की आज़ादी की हम सबको रक्षा करनी है, कोई आँच न आने देंगे इसे, बस यही प्रतिज्ञा करनी है, भारत माँ की आज़ादी की हम सबको रक्षा करनी है। बरसों के जतन के बाद से बापू ने हमें दिलाया था सत्य अहिंसा का मार्ग, बापू ने हमें दिखाया था इन राहों पे चल कर हमको, इन राहों पे चल कर हमको मंजिल अपनी तय
करनी है भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है कोई आँच ना आने देंगे इसे बस यही प्रतिज्ञा करनी है भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है छोटी छोटी सी बातों पर हम आपस में क्यों लड़ते हैं क्यों नाम धर्म का लेते हैं और खून प्रेम का करते हैं मजहब की इन दीवारों की मजहब की इन दीवारों की हमको ही दरारें भरनी है भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है कोई आँच ना आने देंगे इसे बस यही प्रतिज्ञा करनी है भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है। तो अंतिम पंक्तियाँ जी स्वागत है बहुत जो मैं अपने देश के हर नागरिक को सचेत करना चाहता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से स्वागत है। आइए ध्यान दीजिए जी जी। आपस के हमारे झगड़ों का दुश्मन को कोई ना लाभ मिले कमजोर ना पड़ने पाए हम दामन पे कोई ना दाग लगे बस देश धर्म की रक्षा से बस देश धर्म की रक्षा से सबकी तकदीर संवरनी है भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है कोई आँच ना आने देंगे इसे बस यही प्रतिज्ञा करनी है भारत माँ की आजादी की हम सबको रक्षा करनी है। क्या बात है मुसाफिर साहब। और आपके इस गीत को सुनकर मैं वो गीत अपने श्रोताओं को सुनाए बिना नहीं रह सकती। आपका पसंदीदा गीत है अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या खूब। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है ये नेमत पाई है सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है ये दौलत पाई है मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां सीनों पे अपने गोलियां कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने अहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने शोला हवा के सामने लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने हम वो पत्थर
कमजोर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हर सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों आपसे मैं अपनी एक आदत शेयर करना चाहूंगी यहाँ, वो आदत अच्छी है या बुरी इसका फैसला आपके हाथ में, मैं तो बस ऐसी ही हूँ। दोस्तों अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो सुनने की हो, मुझे लगता है कि उसके प्रति तृष्णा मिट जाए, जी भर के उसे खा पी लेती हूँ सुन लेती हूँ। इस चक्कर में एक बार हुआ यूँ कि विजय मेहरोत्रा जी आए जो सृजन के लिए, मैंने उनको जब रिकॉर्ड किया उनका एक गीत मुझे बहुत पसंद आया, उनको मैंने आपको झलकियों में भी मिलवाया है, वो गीत मुझे इतना पसंद आया कि जी करता था उसे बार बार सुनती रहूं, लेकिन तब ऐसा संभव था नहीं क्योंकि उस एपिसोड की सीडी मेरे पास अभी आई नहीं थी। सो विजय मेहरोत्रा जी का एक दिन फ़ोन आया, काफ़ी सीनियर गीतकार हैं, तो जैसे बेटी अपने पिता से चॉकलेट मांग बैठती है मैंने उनसे कहा मुझे उस गीत की कुछ पंक्तियाँ सुना दीजिए। थोड़ी देर तो उन्होंने सुनाया फिर लेकिन वो जेब गए और साथ ही मुझे भी अपने बचपने पर हंसी आ गई। है चांद को भी सदमा तारों पे उदासी है, मेरे घर तो अमावस है तेरे पूरन मासी है, इतिहास के पन्ने जब विश्वास को छलते हैं मेरे गीत मचलते हैं। दोस्तों मुझे बहुत पसंद है गीत, लेकिन मैंने आज उनकी आवाज़ में आपको नहीं सुनाया, आपको मेरी आवाज़ झेलनी पड़ी ना, कोई बात नहीं। चलिए कुछ इसी तरह से हमारे एक सेलिब्रिटी नवाब केसर जी का गीत जब जब भी मैंने सुना मुझे रुला गया, शहीदों की याद दिला गया। आइए सुनते हैं नवाब केसर जी का वही मेरा पसंदीदा गीत और फिर उनका पसंदीदा गीत तो वो है ही, हमारे स्पेशल लिसनर नरेंद्र विरदी जी का भी पसंदीदा गीत है वो, आइए सुनते हैं झलकियां। पूरा हिंदुस्तान मैं कहूंगा कि मैंने जो पहली बार देखा तो वो साहित्य के माध्यम से और कविता के माध्यम से देखा। क्या बात है, क्या बात। जिसमें बहुत सारे नामचीन शायरों के साथ में मुझे कविता पाठ का सौभाग्य मिला। हाँ हाँ जी, आपने हमने सुना है कि आप अशोक चक्रधर जी के साथ, ओम प्रकाश आदित्य जी के साथ, सुरेंद्र शर्मा जी और वेद प्रकाश वाजपेयी जी के साथ, सुरेंद्र मोहन मिश्र जी के साथ, कुंवर बेचैन जी के साथ, जैमिनी हरियाणवी जी के साथ, इन सब के साथ आपका बड़ा दरअसल शुरुआत। मैं उस समय तो बाल कवि कहूँगा अपने आप को और ये लोग अपनी बुलंदियों पर थे तो मुझे इनके साथ रचना पाठ के बहुत सारे मौके मिले और उन रचना पाठों के माध्यम से कहते हैं कि जब शाबाशी मिलती है तो मन कुछ ना कुछ लिखने को करता है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत एनकरेज किया, इसमें आदित्य जी का नाम खास तौर पर लेना चाहूँगा और मेरे भाई देशराज जी हैं, उनकी पारिवारिक दोस्ती चक्रधर जी के और राधेश्याम प्रगल्भ जी के परिवार से, राधेश्याम प्रगल्भ जी उनके पिता हैं, उनके साथ रही तो मुझे एक बार 1980 में एक कवि सम्मेलन आयोजित करने का मौका मिला जिसमें दोनों ही पिता और पुत्र राधेश्याम प्रगल्भ जी और आपने आयोजित किया, मैंने किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप न सिर्फ कवि और साहित्यकार हैं, न सिर्फ एजुकेशनिस्ट है, बल्कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप बहुत अच्छे से एंकर करते हैं और कवि सम्मेलनों का आयोजन भी करते हैं, जो जैसा कि आप बता रहे हैं। तो मुझे उससे मैं बताना चाहूंगा माधुरी जी, इस बात को आप ताज्जुब करेंगी कि उस समय चक्रधर अपनी कहते हैं कि अपने करियर के प्रारंभिक उसमें थे लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त हास्य कवि के रूप में उनकी पहचान बनती चली जा रही थी। उनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे शायर रहे, उनकी माँ भी बहुत अच्छी कवित्री हैं। जी जी, और फिर उनका काका हाथरसी जी के परिवार से रिश्ता हो गया तो इन लोगों ने मुझे काफी एनकरेज किया, क्या बात, और मुझे इस नाते कई मंचों पर जाने का मौका मिला। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने टेलीविजन पर जो अपनी रचना दी है अगर आपको याद हो तो हमारे दोस्तों के लिए। दरअसल मैंने वो रचना थी मेरी
हो गई तरबतर, तो वो रचना मैं आपको जरूर सुनाऊंगा और उन श्रोताओं के लिए खास तौर पर, क्या बात है, क्योंकि ये रचना अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। कारगिल की, हाँ, कारगिल की, कारगिल के शहीदों के लिए मैंने लिखी रचना। हो गई तरबतर खून से चोटियां, माँ का दामन जरा ना सिमटने दिया, कट गए सर हमारे कोई गम नहीं, आवरुए बतन को न लुटने दिया, हो गई तरबतर खून से चोटियां, वो फना क्या हुए आसमां हो गई, घाटियों में सदा के लिए सो गई, वो फना क्या हुए आसमां हो गई, घाटियों में सदा के लिए सो गई, गोद सुनी हुई माँ की तो क्या हुआ, हिंद का जलबा फिर भी न घटने दिया, हो गई तरबतर खून से चोटियां, वादियों में जहां आग ही आग थी, मौत के साए से घाटियां आबाद थी, चूड़ियां दुल्हनों की सिसकती रही, खास लाइन है तब बच्चे चाहूंगा, क्या बात है, चूड़ियां दुल्हनों की सिसकती रही, मांग माँ की सवारी न लुटने दिया, हो गई तरबतर खून से चोटियां। मैं उन शहीदों के लिए बार बार वंदन और नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके और इस वतन पर कोई आंच नहीं आने दी। जी जी जी। माधुरी जी, आंखें भर आती हैं जब हम बात करते हैं उन माओं की जिन्होंने अपने बेटे खोए, हम बात करते हैं जब उन बहनों की जिन्होंने अपने भाई खोए, और सबसे बड़ी बात उन महान भारतीय नारियों की जिन्होंने अपना सिंदूर खोया जी। तो उन्हीं को मैं सलाम करते हुए कहता हूँ, ए शहीदो तुम्हें इस चमन का सलाम, है रिड़ी ये बतन इस बतन का सलाम, चंद सांसों में तुमने गगन जीत कर, चंद सांसों में तुमने गगन जीत कर, हिंद का जलवा फिर भी न घटने दिया, हो गई तरबतर खून से चोटियां। शुक्रिया। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों ये है मेरा देश भारत जहां का बच्चा बच्चा भी देश पर कुर्बान होना जानता है। आइए सुनते हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान एनएल गोसाई जी का बचपन वाला गीत और पहुंच जाते हैं अपने बचपन में। आइए करते हैं यादों को ताजा। दरअसल मेरी रचनाओं में राष्ट्र स्वर मुखरित होता है। जी जी स्वागत है। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। जी जी स्वागत है। गा रहे हैं गीत सारे गीत मैं भी गाऊंगा एक गीत मैं भी गाऊंगा। गा रहे हैं गीत सारे गीत मैं भी गाऊंगा एक गीत मैं भी गाऊंगा। मैं अपना पूरा गीत नहीं पढ़ूंगा उसके कुछ कुछ अंश पढ़ूंगा आपके सामने। गीत लंबा है वैसे। है कसम भारत की आन और शान की। है कसम भारत की आन और शान की। मैं लगाऊंगा ये बाजी जान की। फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा भारती कहलाऊंगा एक गीत मैं भी गाऊंगा। गा रहे हैं गीत सारे गीत मैं भी गाऊंगा एक गीत मैं भी गाऊंगा। और उस शहीद का स्मारक बनाते हैं लोग और स्मारक की कोई परवाह नहीं करते। उसके ऊपर धूल जमती रहती है पक्षी बीट करते रहते हैं और इस प्रकार से उसका हाल बेहाल हो जाता है। मेरा निवेदन है मत बनाना मकबरा या यादगार। मत बनाना मकबरा या यादगार। मैं धरा पर जन्म लूंगा बार बार। मैं धरा पर जन्म लूंगा बार बार। भूल जाए याद फिर भी आऊंगा गीत सबके गाऊंगा एक गीत मैं भी गाऊंगा। देश हित जीना मेरा मरना मेरा। देश हित जीना मेरा मरना मेरा। दोस्त तो अफसोस मत करना मेरा। गीत बनकर मैं जुबां पर आऊंगा अश्रुकण बन जाऊंगा। गीत बनकर मैं जुबां पर आऊंगा अश्रुकण बन जाऊंगा एक गीत मैं भी गाऊंगा। गा रहे हैं गीत सारे गीत मैं भी गाऊंगा एक गीत मैं भी गाऊंगा गीत मैं भी गाऊंगा। गोसाई साहब आपकी इस रचना को सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागबन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन
वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर यानी कि झलकियां सृजन की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि रिश्तों को ईमानदारी से निभाना भी सच्ची देशभक्ति है जैसे कि हमारे कपूर चतुर्पाठी जी करते हैं। क्या करते हैं आइए सुनते हैं झलकियों में। हम तो उलझे रह गए बस रोटी दाल में। क्या बात। हम तो उलझे रह गए बस रोटी दाल में। बहुत खूब। बने हैं नेता हाल में हैं मस्त हाल में। वाह क्या बात। दूसरा देखिए दल का क्या है चर्चे कुर्सी के बड़े हैं। दल का क्या है चर्चे कुर्सी के बड़े हैं। टिकट नहीं मिला तो आजाद खड़े। और वास्तविकता से मिलता जुलता देखिए शेर मेरा। राज किसी का भी हो फर्क क्या पड़े। राज किसी का भी हो फर्क क्या पड़े बैल को तो खेत ही जोतना पड़े। वाह क्या बात। और जिंदगी से बहुत संबंधित दोहे हैं। वास्तविकता से संबंधित दोहे हैं। पैसे का आजकल सब रोना रोते हैं तो मेरा ये शेर देखिए। स्वागत है। कि जिंदगी पैसे में जाने कैसी जंग है। जिंदगी पैसे में जाने कैसी जंग है। जो भी मिले कहता फिरे के हाथ तंग है। क्या बात है बहुत खूब। और देखिए एक रसोई की बात। रोज हम रसोई में घुसते हैं। जी जी। रोज हम दूध उबालते हैं। लेकिन दूध का तमाशा जो मैंने देखा है वो आपको सुनाता हूँ। दूध पे आंख रखो उफनता नहीं। दूध पे आंख रखो उफनता नहीं। आंख फेरो उफन कर जाए बिखर। चतुर्पाठी साहब जो आप अपनी वो राजनीति से रिलेटेड बता रहे थे और ये भी बात कि आप कितने अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं कि आप किचन का एक्सपीरियंस आपको बहुत है। ये हमारे देश में ही लोग कर सकते हैं और मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया। किचन का तो देखो महत्व इसलिए देना पड़ेगा रोटी के बिना तो आदमी कुछ नहीं है। इसलिए मैं सबसे ये कहता हूँ कि भाई रोटी का आदर करो कि क्योंकि मुंह मार ले कोई कितना इधर उधर। मुंह मार ले कोई कितना इधर उधर। रोटी बगैर पेट भरता नहीं मगर। चतुर्पाठी साहब मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत। जिस देश में गंगा रहता है भाभी कंगन खनकाती है और मालोरियां गाती है। मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा रहता है जिस देश में गंगा रहता है। चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा रहता है जिस देश में गंगा रहता है। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों हमारी सेलिब्रिटी लेखिका कवित्री जिनको मैं आपको सृजन में मिलवा चुकी हूँ और झलकियों में भी उनको लेकर आऊँगी आपके अपने शो सृजन की वो रेगुलर लिसनर हैं वो क्या कहती हैं सुनिए। प्रबुद्ध साहित्यकारों से साक्षात्कार के सफल कार्यक्रम के उपरांत माधुरी सृजन स्मृतियों की श्रृंखला लेकर आई हैं जिसमें तमाम कार्यक्रमों के चुनिंदा मोती उन्होंने अपनी महकती स्वर लहरियों में पिरोकर सजाए हैं। जितना खूबसूरत सृजन है उतनी ही मोहक उसकी स्मृतियाँ भी हैं। सृजन की 50 किस्तें पूर्ण होने पर सृजन के संवाहक माधुरी और आरएमआर परिवार को हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। साथ में उम्मीद है कि सृजन का सिलसिला अनंत चलता रहे। तो दोस्त उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद देश और देशवासियों का प्यार सदियों तक साथ रहे और मैं देश की और आप देशवासियों की सेवा करती रहूं। बस यही दुआ है यही तमन्ना है यही कामना है
आमीन। मेरा क्या है, सब मेरे देश का है, मेरे देशवासियों का है। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाऊं, तन मन धन सब है तेरा, दिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाऊं, तन मन धन सब है तेरा। और दोस्तों, संदीप जी कहते हैं, थैंक्स फॉर रिचार्ज ऑफ सृजन मेमोरी वंस अगेन, एवरी सृजन इंस्पायर्स मी इन लाइफ। नरेंद्र वर्दी जी कहते हैं, आपका सृजन प्रोग्राम बेहतरीन है, टोटल पीस, शुक्रिया बेस्ट सृजन शो के लिए। साथ ही नरेंद्र कहते हैं, जिंदगी में वही नहीं होता जो आदमी चाहता है, भगवान अपने ही बंदे को मुश्किलें देता है, जीवन में बेहतर ढंग से जीने का रास्ता दिखा देता है। क्या खूब कहा नरेंद्र जी आपने। अगर अपने मन की हो तो अच्छा, अपने मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर उसमें खुदा की मर्जी होती है और जो वो करता है अच्छा ही करता है। एन एरो कैन बी शॉट ओनली बाय ड्रैगिंग इट बैक, सो व्हेन लाइफ इज ड्रैगिंग यू बैक विद डिफिकल्टीज, इट मीन्स दैट इट्स गोइंग टू लॉन्च यू इनटू विक्ट्री। और दोस्तों, गुरबीर मदान हमारे शो के, आपके शो के रेगुलर लिसनर हैं, वो कहते हैं, वजूद ना हो तो हस्ती किस काम की, मज़ा ना हो तो मस्ती किस काम की। याद आपके FM 107.8 की आए और हम SMS ना करें तो ये प्यारी सी दोस्ती किस काम की। और दोस्तों, क्या आपको भी याद आती है सृजन की, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन की, रेडियो मानव रचना की? आप भी मुझे बता सकते हैं, और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर SMS करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानोरचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। क्या धरती का सूरज चंदा, क्या धरती का सूरज चंदा, जग मोह माया का एक फंदा, सीधा सादा बंदा, जग चोरों का है डेरा। तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा।